लिंग शरीर से असंग साक्षी उदासीन तटस्थ कुटस्थ है ना, बिल्कुल प्रकाश मात्र है। अंतकरण नरक में जाता है तो जाए, स्वर्ग में जाता है तो जाए, ब्रह्मलोक में जाता है तो जाए, पाप करे तो करे, पुण्य करे तो करे, है ना, सुखी हो तो हो, दुखी हो तो हो, हम तो असंग साक्षी दृष्टा हैं। बोले बेटा बिना तादात में कहोगे बाद में कि वृत्ति नहीं टिकती है महाराज, स्थिति नहीं होती है महाराज, क्योंकि ये सच्चा बना हुआ है ना। तो जब आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म है ना, संपूर्ण दृश्य के अधिष्ठान के रूप में, स्वयं प्रकाश के रूप में जब जानेंगे है ना, तब क्या बोलेंगे, तो बाबा मेरे अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि ही नहीं है, मैं अद्वितीय हूं। तो ये कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर कहां से होंगे, और फिर देश में आना जाना कहां होगा, नरक स्वर्ग कहां होगा, फिर स्वर्ग ब्रह्मलोक कहां होगा है? फिर जन्म मरण कहां होगा, जब कर्म ही नहीं तब पाप पुण्य कहां, जब भोग ही नहीं तो सुख दुख कहां, जब संसारी ही नहीं तब आना जाना कहां, जब परिच्छिन्न ही नहीं तो द्वैत कहां। तो नारायण शास्त्रांतरेण अनवगम्य मानत्वात्, इसलिए बोले शास्त्र भी दो तरह से प्रतिपादन करते हैं, एक तो जो शुद्ध साक्षी है उसके ब्रह्मत्व का बोधन करा करके, और एक नेति नेति के द्वारा व्यावृत्त करके। नेति नेति वेदारायण उपनिषद में छह बार है, बोला छह बार, दूसरे अध्याय में भी है, चौथे अध्याय में भी है, छठे अध्याय में भी है, बृहदारण्य के उपनिषद में नेति नेति। तो एक तो अतद व्यावृत्ति करके नेति नेति जो है तो वो समझाता है, माने जो अपने सिवाय अन्य मालूम पड़ता है, प्रतीति विधया, जो अन्य मालूम पड़ता है, जो अन्य के रूप में प्रतीत होता है, उसको उससे अलग आत्मा को समझा देना, नेति नेति। तो भेद मात्र जो है वो प्रतीति का विषय है, ये बड़ी भेद को नहीं समझते हैं, हो घड़ा मालूम पड़ रहा है और जिसको मालूम पड़ रहा है वो घड़ा से जुदा है, तो इसमें ये नहीं समझना कि ये पंडिताई का काम है, ये पंडिताई वंडिताई का इसमें कुछ नहीं चलता, हो बिना कुछ पढ़े लिखे भी केवल सदगुरु के उपदेश से भी बोध हो जाता है, और बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं होता है। काशी में एक पंडित हैं, इस समय अभी जिंदा हैं ईश्वर कृपा से, उनकी उम्र 94 वर्ष की है, और व्याकरण के प्रकांड पंडित हैं। तो एक दिन पंडितों की सभा हुई, वेदांत का शास्त्रार्थ हो रहा था, पंडित लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो वहां बड़ा मजेदार आता है। मैं गया था तो ये दृश्य जो है ये बाधित होता है कि नहीं, इस पर शास्त्रार्थ करवाया था, हो तो जेके वालों ने 5,000 रूपया खर्च किया उसमें, क्या नाम है, एक एक पंडित को 11,000 रूपये दिए थे और एक एक विद्यार्थी को 2,000 रूपये उस समय दिए थे। तो नारायण शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े पंडित लोग आए, पंडित रघुनाथ जी भी आए थे, वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं, वो भी आए थे। तो बाधितम भवति वा न वा, प्रश्न ये था कि बाधित होता है कि नहीं, ऐसा बढ़िया शास्त्रार्थ कर। तो बस मिथ्यात्व का इतना ही लक्षण है कि स्वप्रकाश अधिष्ठान के ज्ञान से है ना, वो प्रतीत होते हुए भी उसकी सत्ता बाधित हो जाती है। हाँ, तो मैं बात दूसरी कर रहा था, वो बड़े भारी विद्वान, वो भी गए वेदांत के शास्त्रार्थ, तो वो बोले कि अद्वैतम न भवति, अद्वैत सिद्धांत ठीक नहीं। तो क्यों ठीक नहीं है, है? तो जो ही यत जानाति सकस्मात् पृथक भवति, जो जिस चीज को जानता है वो उससे अलग होता है। यथा ही, ऐसे बोले हो शास्त्रार्थ में, यथा ही जो ही गर्दभम जानाति स गर्दभो न भवति, जैसे जो गधे को जानता है वो गधा नहीं होता, जो ही घटम जानाति
स्वघटो न भवति, जो घड़े को जानता है वो घड़ा नहीं होता है। एवमेव जो ही ब्रह्म जानाति सौ ब्रह्म न भवति, है ना। इसी प्रकार जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म नहीं होता है। तो ब्रह्म, चूंकि ब्रह्म जाना जाता है इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से भिन्न है। अब पंडित राज राजेश्वर शास्त्री वैसे थे सबसे बड़े विद्वान काशी में, आदरणीय वही माने जाते हैं। तो कुछ विद्या और कुछ उनके अंदर त्याग तपस्या है, और दान नहीं लेते, दक्षिणा नहीं लेते, प्रतिज्ञा नहीं लेते, है ना। उनको थोड़ा सा बाग, थोड़ा सा जमीन, ये विभूति नारायण सिंह जो आजकल राजा है काशी के, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनसे कराया उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ। उन्होंने ही बताया था कि भागवत का पाठ करा लो, तो दक्षिणा को ली नहीं उन्होंने। तो दक्षिणा नहीं ली तो क्या हुआ कि जब बेटा हो गया, एक बरस के भीतर ही हो गया, तो वो तो बड़े तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनका उनके संकल्प में बड़ी शक्ति है। बेटा हो गया तो राजा साहब ने उनको भूमि और बगीचा और मकान दे दिया कि बेटा होने के बाद जब आप इसी में रहो तो बिल्कुल परिग्रह शून्य होकर के, तो थोड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, अपने बच्चों को भेज पढ़ाते हैं, वहीं रहते हैं। वो बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे वृद्ध पंडित जी को डांटा, है ना, क्योंकि उनकी इज्जत बहुत है। बोले कि देखो तुम व्याकरण के बारे में शास्त्रार्थ तब बोलना, वेदांत के शास्त्रार्थ में मत बोलो, है ना। ऐसे मना किया, मना किया तो लड़ गए। लड़ गए तो उन्होंने इशारा कर दिया, जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पंडितों की सभा में से, दक्षिणा सभा में से उनका नाम ही काट दिया। हम नाम काट दिया तो मेरे पास आए, बोले बोले स्वामी जी, अब जब मैं बच्चा था ना, जब मैं पढ़ता था लघु कौमुदी, तब उनके बाल पके हुए थे और वो बैठ के हम लोगों से शास्त्रार्थ करवाते थे, बताते थे कि इसका जवाब ये दो, कि इस पर ये प्रश्न करो, वो बीच में बैठ के शास्त्रार्थ करना बताते थे। अब वो आए मेरे पास और आए, बोले स्वामी जी हमारी तो बड़ी भारी हानि हो गई, हमारा हमारी दक्षिणा सब ही कट गई, आप कैसे हमारा फिर नाम लिख जाए। बड़े बड़े विद्वान है, तो विद्या के साथ अगर इसका संबंध होता है ना, तो ऐसा तर्क वो कैसे देते कि जो ही ब्रह्म जानाति सब ब्रह्म न भवति, क्योंकि वेदांत तो कहता है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्मात्येति, ब्रह्म ही ब्रह्म हो तो पहले से ब्रह्म है, केवल अब्रह्म पने का भ्रम ही मिटता है ना। जो ब्रह्म को जान लेता है उसको अपने ब्रह्म पने का ज्ञान मिट जाता है, और तो बोलना कुछ। तो नारायण इस प्रकार ये वेदांत वाक्य जो है वो अतद व्यावृत्ति के द्वारा और विविध साक्षी के ब्रह्मत्व बोधन के द्वारा अद्वितीय आत्मतत्व का साक्षात्कार करवाता है। तो इसमें एक तो जो वाक्य में कहा गया उसका साक्षात्कार होता है, इसलिए वाक्य प्रमाण है, और दूसरे वाक्य सब प्रयोजन है, माने द्वैत के कारण जो हमको क्लेश हो रहा है, जन्म का, मरण का, नरक का, स्वर्ग का, पाप का, पुण्य का, सुख का, दुख का, जो नाना प्रकार का क्लेश हो रहा है, उस क्लेश का निवारक होने के कारण ये वाक्य प्रमाण है, माने वाक्य में यथार्थ बोधकता और प्रयोजनवत्ता दोनों होने के कारण ये वाक्य प्रमाण है। ओम शांति शांति शांति। करने लग गए आप बताए।
इस ब्रह्म एक सिद्ध वस्तु परिनिष्ठित वस्तु यथार्थ वस्तु है, वो ज्ञान भावना आदि से उत्पादित नहीं है। जब सुपारी में गणेश की पूजा करते हैं तो इसमें गणेश की भावना की जाती है, सुपारी दूसरी चीज है और गणेश दूसरी चीज है। उपासना का अर्थ ही ये होता है कि दूसरी चीज में दूसरी चीज की भावना की है, माने दिख रही है दूसरी चीज और उसमें एक अनदेखी चीज की भावना की जाए तब उसका नाम उपासना होता है। जो दिख रही है वो तो आंख से प्रत्यक्ष हो रही है, उसमें उपासना की क्या जरूरत है? पर उपासना होती है अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंत में अंतकरण की बनावट का यह अर्थ होता है कि यदि आप पुण्यात्मा को पापी समझो तो वो पुण्यात्मा आपकी कोई भलाई नहीं कर सकता। आपके मन में जो पापाकारता है वो आपका अमंगल करेगी। अच्छा, और यदि आप पापी को पुण्यात्मा समझो तो पापी आपका कोई अमंगल नहीं करेगा। आपके हृदय में जो पुण्याकारता है वो आपका मंगल करेगा। माने अपना मंगल अमंगल जो है वो वस्तु से नहीं होता है, अपनी भावना से होता है। ये उपासना का सिद्धांत है। पापी को भी पुण्यात्मा समझो तो तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा, और पुण्यात्मा को भी पापी समझो तो तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध होगा, क्योंकि पुण्यात्मा और पापी तुम्हारे अंतःकरण को बनावेंगे बिगाड़ेंगे नहीं। तुम्हारी जो उनके प्रति भावना है, वृत्ति है, कर्ता के अधीन जो वृत्ति है वो साधक का मंगल अमंगल करते हैं। अब यदि कोई कहे कि पापी में पुण्य कहां है, पुण्य में पाप कहां है, तो इसका विचार वस्तु दृष्टि से नहीं किया जाता है, अपने अंतःकरण की वृत्ति के आकार से किया जाता है। क्योंकि अपने साथ तो अंतःकरण की वृत्ति रहेगी, न पापी रहेगा न पुण्यात्मा रहेगा, अपना दिल ही अपने साथ रहेगा। हम जहां जाएंगे जहां रहेंगे तो उपासना का सिद्धांत यह है कि देखो पत्थर और मानो ईश्वर। और यदि पत्थर को पत्थर ही मानना है तो वो प्रत्यक्ष एक लौकिक विषय हो गया, लौकिक वस्तु हो गई, अब उपासना नहीं हुई। उपासना तो सालग्राम शिला को नारायण मानने पर होगा, ये उपासना की पद्धति है। तो जैसे सालग्राम शिला में नारायण बुद्धि की जाती है, वैसे आत्मा में ब्रह्म बुद्धि नहीं की जाती है, बोला वैसे प्रपंच में ब्रह्म बुद्धि नहीं की जाती है। सचमुच आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म स्वरूप आत्मा से अभिन्न है ये प्रपंच, अर्थात दूसरी वस्तु नहीं है। ये आत्मा और ब्रह्म की एकता और आत्मा और प्रपंच की एकता, तो ये दोनों कब होगा कि जब पहले आत्मा को ब्रह्म रूप जानेंगे तब अपने आत्मा के स्वरूप में ये प्रपंच बाधित हो जाएगा। और यदि आप उपनिषद और संप्रदाय के क्रम को स्वीकार नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। वो तो जाके जैसे कोई सातवें आसमान में या बड़े भारी अफ्रीका के जंगल में
कोई अपने मन से किसी चीज को ढूंढना चाहे तो भटक जाएगा, वो ऐसा होता है। तो अब आओ ब्रह्म के अनुसंधान की बात करें। तो यहां ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रम अंतरेण अनवगम्यमानत्वा। कहते हैं आत्मा को ब्रह्म रूप जानना शास्त्र के बिना किसी दूसरे उपाय से नहीं हो सकता, शासन मानना पड़ेगा। और किसी किसी की वृत्ति ऐसी होती है कि उसको जो कहो कि ये काम मत करो तो वो उसके उल्टे करेगा, ऐसी भी वृत्ति होती है, उसको भी समझाना पड़ता है। मैंने पहले कहीं सुना था, बहुत दिन हुए 30-35 वर्ष हुए, बल्कि 40 हो गए होंगे, 40 हो गए होंगे, हरिद्वार में हमको किसी महात्मा ने सुनाया था। एक पत्नी थी, उसकी ये आदत थी कि पति जो काम कहे उसको वो नहीं करती थी, विपरीत करे, जो जो पति मना करे सोई काम हो करे। वो कहे कि आज रोटी बनेगी घर में, तो कहे नहीं आज तो चावल बनेगा, आज रोटी नहीं बनेगी। तो एक बार कोई ऐसा प्रसंग पड़ा जो पति समझ गया था उसकी बात, तो उल्टी बात उसको बता रहे हो। कहीं जाना था परदेश, तो मायके जाना था उस स्त्री के, तो उसने कहा कि देखो जी तुम अपने मायके मत जाना। तो बोली कि मैं तो जरूर जाऊंगी। चले गए, अच्छा जाना तो जाना, लेकिन कुछ सामान अपना जेवर या कोई कोट ली ले के मत जाना। तो बोले कि नहीं मैं तो जरूर ले जाऊंगी। तो बोले कि अच्छा मैं नहीं जाऊंगा तुम ही जाओ। तो बोले कि तुमको तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। इस बीच में पार करनी थी नदी, तो उसने कहा कि भाई ये नदी तो बड़ी गहरी है, अब हम तो हम लोग अब उस पार नहीं जाएंगे, यहीं से लौट चलेंगे। तो स्त्री ने जिद किया कि नहीं चलना ही पड़ेगा। तो ये हुआ कि अच्छा पार तो चल सकते हैं, लेकिन ये सब जो गठरी निकली है वो सब तुम्हें को ले चलना पड़ेगा। तो बोली कि नहीं नहीं ये सब तुम लेके चलो। कैसा बोले ये गाय पार जाने वाली है, तो इसकी पूछ तुम मत पकड़ो, मैं पकड़ के चलूं। तो बोली कि नहीं मैं ही नहीं पूछ पकड़ू। अब महाराज पूछ पकड़ के चले नदी में बहने जाए। जब बीच नदी में पहुंचे तो धारा बड़ी तेज थी, तो पति से असावधानी हो गई। उसको कहना तो चाहिए था कि जोर से मत पकड़ना, जोर से मत पकड़ना, लेकिन उसके मुंह से निकल गया कि पकड़े रहना, पकड़े रहना। तो उसने जट छोड़ दिया गाय को और बहती ही नदी में। तो किसी किसी की रीति ऐसी होती है कि उनको हाँ कहो तो ना बोले, ना कहो तो हाँ बोले। अब देखो यहां ये बात कही जा रही है कि आत्मा ब्रह्म रूप है, ब्रह्म माने अद्वय है, ब्रह्म माने होता है अपरिच्छिन्न। किसी किस्म की परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं ब्रह्म। परिच्छेद
सामान्याभावोपलक्षितत्व परिच्छेद माने टुकड़ा 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 खंड 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 उनका सामान्य माने किस्म जातियां तो जाति बोलते हैं एक मनुष्य जाति है एक पशु जाति है पशु जाति में एक गो जाति है एक महिष जाति है एक अश्व जाति है एक गज जाति है बहुत होते हैं ना तो सामान्य माने किसी किस्म का सामान्य किसी किस्म की जाति प्रकार भेद जिसमें नहीं है उसके प्रकार प्रकार भेद के अभाव से उपलक्षित जो ब्रह्म है सो आत्मा है माने आत्मा इसका अर्थ हुआ कि आत्मा ऐसी चीज है जिसमें न दूसरा आत्मा है न दूसरा कोई परमेश्वर है और ऐसी अखंड आत्मा में ये जो प्रपंच दिखाई पड़ता है ये भी दूसरा कुछ नहीं है तो चार प्रकार से एकता दिखाने की पद्धति है शास्त्र में बाधा ध्यास विशेषणैक्य विधया एक तो एक चीज मिथ्या होती है और एक सत्य होती है तब भी वहां एक का ही वर्णन करते हैं जैसे रज्जु सत्य है और सर्प मिथ्या है तब कहेंगे कि इयम रज्जुरेव न सर्पः ये रज्जु ही है सर्प नहीं इयम रज्जुरेव और एक अध्यास काल में कहते हैं इदम रजताम अब वहां चांदी का सीख का तो ज्ञान नहीं है बोलते हैं चांदी है तो भ्रम से बोलते हैं एक को झूठा और एक को सच्चा कहने के लिए एक बोलते हैं और भ्रम से भी दो चीजों को एक बोलते हैं और एक विशेषण विशेष भाव से बोलते हैं जैसे नीलम उत्पलम नीला कमल और एक बोलते हैं ऐक्य से ऐक्य क्या कि जैसे घटाकाश मथाकाश दोनों महाकाश में एक हैं तो मुख्य समानाधिकरण जो है वो ऐक्य में होता है आत्मा और ब्रह्म मुख्य समानाधिकरण है घटाकाश मथाकाश के समान और आत्मा और प्रपंच इनमें बाध समानाधिकरण है कैसा का ये रज्जू और सर्प के समान ये वेदांत के समझाने की पद्धति है ये चार प्रकार बाध से समानाधिकरण भ्रम से समानाधिकरण विशेषण विशेष भाव से समानाधिकरण और ऐक्य से मुख्य ऐक्य से समानाधिकरण ये चार प्रकार से चलता है तो ये जो तत्वमसी महावाक्य है ये कोई मेहनत मजदूरी का मार्ग नहीं है वेदांत का ये कहना है कि केवल वाक्य ही ऐसी चीज है जो आत्मा की अद्वितीयता को बोधित अनुभव का विषय बना सकती है महावाक्य के सिवाय ऐसा दूसरा कोई उपाय सृष्टि में नहीं है जो आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव करा सके ये वेदांत का समझो सिद्धांत है तो तत्वमसी इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमानत्वा ब्रह्म और आत्मा की एकता जो है वो बिना शास्त्र के किसी भी प्रकार अवगम में अधिगम में अनुभव में अनुभूति में नहीं आ सकती। अच्छा तो अब लो एक पहले शंका उठाते हैं शंका माने जो अपने सुख को शांति को काट दे उसका नाम है शंका शम शांतिम गायति कृंतति इति शंका जब मन में किसी के प्रति शंका का उदय होता है तो हृदय की जो शांति है वो मिट जाती है इसलिए शम को शम को काटने वाली कर्पण करने वाली कृंतति इति शंका कायति कृंतति तो एक शंका आपको देते हैं
तो शंका देना, फिर उसका समाधान दे देना। तो शंका भी जिज्ञासा में निवर्त्य विधया उपयोगी है। मनुष्य के मन में जो संशय होता है, समाधान के द्वारा उस संशय को निवृत्त किया जाता है। तो संशय की निवृत्ति के लिए समाधान आता है। कुंती ने भागवत में कहा है कि हमारे घर में विपत्ति आई, बारंबार आई, द्रौपदी का चीर हरण कर लिया गया और ऐसे बार बार विपत्ति आई। तो बोले विपत्ति आई तो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि विपत्ति के पीछे पीछे तुम आए हैं। तो जिस दिन आपका दर्शन नहीं होना था उस दिन प्रभु आपका दर्शन हो गया, तो विपत्ति आई तो बहुत बढ़िया हुआ, ये बात भागवत में आई है। दुर्वासा साथ देने के लिए हमारे घर में आए, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? कि दुर्वासा के साथ से बचाने के लिए आप हमारे घर में आ गए। तो संशय का बड़ा भारी आदर, शंका का भी हम आदर करते हैं। तो क्यों आदर करते हैं? कि शंका का समाधान करने के लिए सिद्धांत आता है, संशय को मिटाने के लिए सिद्धांत आता है। तो इसलिए सब अच्छा है। एक दिन आके चोर महाराज ताला वाला तोड़ दे, जरा खटखटा दे रात को, है ना, तो दूसरे दिन से पहरा ठीक लगने लगता है वो, है ना। तो पहरेदार को सजग करने के लिए कभी कभी चोर का आना भी उपयोगी होता है, आदमी सावधान तो हो जाता है ना। अच्छा, तो शंका क्या है कि जन्माद्य जता इस सूत्र की व्याख्या में ये बात बताई गई कि ये अनुमान भी हो सकता है, ब्रह्म है ये बात अनुमान से सिद्ध हो सकती है, ईश्वर है ये बात भी अनुमान से सिद्ध हो सकती है। अब जहां अनुमान प्रधान विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग मिलेंगे, वहां हम कह दें कि विद्या से या अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है, तो हार ही मानना हुआ ना। तो उदयनाचार्य ने कहा कि आओ, उनकी न्याय कुसुमांजलि है, तो अनुमान से परमेश्वर को सिद्ध करते हैं। जन्माद्य जता में जन्म जगत के जन्मादि के कारण के रूप में युक्ति समुप ब्रह्मित ब्रह्म का वर्णन है, अनुमान गर्भित ब्रह्म का वर्णन है कि जो इस जगत का कारण है सो ब्रह्म है ना। जन्माद्य से जता वो श्रुति भी है, जतोबाईमान भूतानि जायन्ते, और अनुमान भी है। तो किसी ने कहा कि अनुमान से तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। तो बोले भाई क्यों नहीं हो सकती, लाओ हम अनुमान करते हैं। तो जितने अंकुर हैं वो बीज पूर्वक ही पैदा होते हैं, तो ये प्रपंच जो है वो बीज पूर्वक पैदा हुआ है। क्षिप्यंकुरादिकं कार्यम कर्तृजन्या, ये जितना क्षिप्यंकुरादिक कार्य है वो कर्ता से उत्पन्न होता है, जसो वाजमानी भूता नहीं जायते। तो वहां तो ये बताया कि अनुमान से जगत का कारण सबीज सत है और सर्वज्ञ है और वो सर्वशक्तिमान है, प्रकृति आदि कोई रचना करने में समर्थ नहीं है, केवल ईश्वर ही जगत की रचना करता है, ये बात अनुमान से ही सिद्ध है। अब यहां कहते हो कि शास्त्र के सिवाय दूसरे किसी प्रकार से सिद्धि हो ही नहीं सकती, तो तुम तो अपनी बात का खंडन कर रहे हो, ये हुआ प्रश्न, ये हुई शंका। तो ध्यान में बात शायद न आवे इसलिए स्पष्ट करके बताना जरूरी है ना। बोले ठीक है, ब्रह्म है ये बात युक्ति से भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जितना भी परिच्छिन्न पदार्थ होता है वो साधिष्ठान ही होता है। जैसे देखो रोशनी में जब छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखते हैं ना घर में, तो उन कणों को दिखाने के लिए तो रोशनी होती है और रहने के लिए आकाश होता है। बिना रोशनी के वो कण दिख नहीं सकते और बिना अपरिच्छिन्न आकाश के वो कण रह नहीं सकते,
तो ये जितने कोटि कोटि ब्रह्मांड जो हैं, ये कण कण के समान उड़ रहे हैं जिस अधिष्ठान में, उसका नाम ब्रह्म है, और जिस प्रकाश में दिख रहे हैं उसका नाम आत्मा है। तो बिल्कुल ठीक है, युक्ति से सिद्ध हो जाएगा कि जितने भी खंड पदार्थ होते हैं, जितने भी परिच्छिन्न पदार्थ होते हैं, वो एक अपरिच्छिन्न अधिष्ठान में भासते हैं। तो बहुत बढ़िया, तो ब्रह्म तो सिद्ध हो जाएगा अनुमान से, परंतु ये आत्मा ही ब्रह्म है ये अनुमान से सिद्ध नहीं होगा। तो वहां जो बात अनुमान वाली बताई गई, वो ब्रह्म सिद्धि की बात बताई गई अनुमान से, जन्माद्य से जपा, और यहां जो कहा जा रहा है कि तत्त्वमसी महावाक्य के बिना आत्मा के ब्रह्म भाव का अनुभव नहीं हो सकता, वो आत्मा के ब्रह्म भाव की बात कही जा रही है कि वो बिना वेदांत के, बिना उपनिषद के, अथवा उपनिषद से मिलती जुलती हुई वचन रचना, वो तो असल में तो वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। हम तीन भाषा के शब्द के पक्षपाती नहीं है, धर्मशास्त्र में तो कहीं कहीं ये बात आती है कि यज्ञ में जिस मंत्र से जो क्रिया करानी चाहिए वही मंत्र बोल करके वो क्रिया कराना है ना। यदि मंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करके वो कर्मकांड करेंगे, या मंत्र का हिंदी में अनुवाद करके वो कर्मकांड करेंगे, तो उस वेद मंत्र के उच्चारण से जिस पुण्य की धर्म की उत्पत्ति होती वो अनुवाद करने से नहीं होगी। हाँ, तो कर्मकांड में तो ये बात है कि वेद का वही मंत्र चाहिए, लेकिन ब्रह्मकांड में, ब्रह्मज्ञान में शब्द की प्रधानता नहीं है, विद्या की। विद्या माने पुस्तक में लिखे हुए, कागज पर लिखे हुए अक्षर नहीं, विद्या माने हृदय में उदय होने वाला वस्तु ज्ञान। तो नारायण तत्त्वम असि, इस महावाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ का जब तक उदय नहीं होगा, वो भले अंग्रेजी भाषा के द्वारा हो या जर्मन भाषा के द्वारा, ये रशियन के द्वारा या लैटिन के द्वारा, कैसे भी हो, परंतु आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो शरीर में शुद्ध ज्ञान है वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वही तुम हो, इस प्रकार के अर्थ वाले वाक्य के द्वारा जब तक वृत्ति जाएगी तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। वृत्ति में आरूढ़ चेतन जो है वो अज्ञान को निवृत्त करता है, सामान्य चेतन वृत्ति का प्रकाशक होता है, और अनारूढ़ चेतन जो है उसमें निवर्त निवर्तक भाव नहीं होता है। इसलिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्न है, वृत्ति का ये आकार होवे और चेतन उससे तादात्म्यापन्न होवे, अभी कैसे वृत्ति हो जाएगी। अब प्रश्न ये हुआ कि ये जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है ये बिल्कुल बेकार करने की दुखी बताते हैं, तो क्यों बेकार है। तो असल में संसार में जितना ज्ञान होता है पदार्थ का, वो प्रवर्तक निवर्तक नहीं होता है। वो जैसे हम आंख से किसी चीज को देखते हैं तो न आंख कहती है कि इसको उठा लो, और न वो चीज कहती है कि हमको उठा लो, न आंख कहती है कि इसको मत छुओ, और न वो चीज कहती है कि हमको मत छुओ। ये तो हमारी बुद्धि में हेता और उपावेता का जैसा संस्कार पड़ा हुआ है, वो कहता है कि ये चीज बड़ी मीठी है, इसको हाथ से उठा के मुंह में डाल लो,
जैसे एक अंजीर देखा, अंगूर देखा, आम देखा, तो आंख से उसकी शकल सूरत दिखी और मन में उसके नाम का स्फुरण हुआ, उसके गुण का स्फुरण हुआ, उसकी मिठास का स्वाद का स्फुरण हुआ, तब हमारी वासना ने कहा कि हाथ से उठा के इसको खा ले। आंख थोड़े कहती है, कहीं भी प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं वे प्रवृत्ति के हेतु नहीं होते, निवृत्ति के हेतु नहीं होते, बल्कि पहले से विद्यमान वासना है। पहले जो किसी ने उपदेश कर रखा है कि आम अपना हो तब खाना चाहिए, पराया आम हो तो, ये नहीं कि जिस किसी का भी आम हो और उठा के खा लिया तो आम खाने में चोरी का दोष है, ये बात यदि आपने श्रवण किया हुआ है तब आपकी किसी ने कभी चोरी की है और आपको दुख हुआ है तब आप उससे निवृत्त होंगे। केवल आंख ने बताया आम, जीभ की वासना ने बताया मीठा और मन ने कहा कि खा लो, ऐसे धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होता। धर्माधर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, तो किसी भी चीज का जो ज्ञान होता है उसमें हेय और उपादेय का ज्ञान होता है, ये त्याज्य है और ग्राह्य है। ये पूर्व पक्ष की बात आपको सुना रहे हैं, हे उपादेय माने प्रवृत्ति और निवृत्ति। उपादेय के लिए प्रवृत्ति होती है, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, और हे माने त्याग करने योग्य। तो देखेंगे कि ये तो साफ है, अरे छोड़ो भाई भागो यहां पे, भगा देंगे ना तुरंत पीछे पाओ हो ठक, है ना, ठिठक जाएंगे और लौट जाएंगे पीछे, अरे ये तो साफ है। और देखेंगे कि ये तो मुहरें पड़ी हैं, तो झट प्रवृत्ति हो जाएगी कि इनकी ओर जाके उठा लो। तो ये जो संसार का जो त्याज्य और ग्राह्य का ज्ञान है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु होता है। त्याज्य को समझोगे, शास्त्र ने कहा ये तो चोरी है, दूसरे का माल है भाई, ये नहीं करना चाहिए, तो निवृत्ति हो जाएगी, है ना। अरे भाई ये तो अपनी चीज गिरी हुई थी, तो झट इसको उठा के रख लो, प्रवृत्ति हो जाएगी। तो दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है वो हे और उपादेय का भेद करके प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए होता है। अब ये तुम्हारा जो आत्मा को ब्रह्म जानना है, ये जान के क्या करना है, इसमें कौन सी प्रवृत्ति निवृत्ति होनी है, इसी से मीमांसक लोग खंडन करते हैं, बेकार है ये आत्मज्ञान और ये संसारी लोग महाराज कायदे वायदे से तो चलते नहीं हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो राम राम जपना तो छोड़ देंगे, है ना। वो नारायण पूजा करना छोड़ देंगे, वो भगवान का राम कृष्ण का ध्यान करना छोड़ देंगे, वो क्या करेंगे, वो तो महाराज ध्यानातीत का ध्यान करेंगे ना। अब उनकी समझ में कहां से आएगा कि ये बदतो व्याघात है, जो ध्यान से अतीत है उसका ध्यान नहीं होगा। वो खुद ही बोल रहे हैं ध्यान, किसी चीज को ध्यानातीत कहा जाए और फिर उसका ध्यान किया जाए, है? और किसी वस्तु को निर्विशेष किया जाए, कहा जाए और उसका ध्यान किया जाए, मानो बंद आंख में तो है खुली आंख में नहीं है, तो विशेष हुआ कि निर्विशेष हुआ, खुली आंख में है बंद आंख में नहीं है तो वो सविशेष हुआ कि निर्विशेष हुआ। तो महाराज कहें तो निर्विशेष और करें ध्यान, है? और कहें ध्यानातीत और करें ध्यान, तो वो तो मन जो है ना, निद्रे का जो मन होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसमें दृढ़ता के लिए कोई आश्रय, उसमें दृढ़ता के लिए कोई सहारा नहीं है।
असल में तुम अपनी वासना को, अपने अहंकार को गुरु मानते हो। देखो प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो आत्मा को ब्रह्म जान लिया तो हेर रूप में ब्रह्म को छोड़ देना, ये जाना कने ब्रह्म तो आत्मा है, उसको छोड़ नहीं सकते। अपने आप को कहां आले में रख के आओगे कि तिजोरी में रख के आओगे? कैसा तो आत्मा को पकड़ेंगे है? तो कौन सी रस्सी है कि लड्डू है कि है ना कि असरती है, कोई दूसरी चीज होती तो पकड़ के रखते। तो ये जो आत्मा ब्रह्म रूप है, ये न तो पकड़ के रखने की चीज है और न तो फेंक देने की चीज है, ये तो अपना आपा ही है। अच्छा, जो अपना आपा है वो न हे है और न उपादेय है, न उसको हम छोड़ सकते न उसको पकड़ सकते, क्योंकि कहीं जाने का डर हो तो पकड़ के रखें है? और वो कोई पराया हो, तकलीफ देने वाला हो तो उसको फेंक दें। अपना आपा पराया नहीं है, तकलीफ नहीं देगा और अपना आप कभी छूटेगा नहीं। हम जो होंगे, जैसे होंगे, जहां होंगे, जब होंगे, हम ही तो होंगे ना। तो बोले कि भाई तब इसके बारे में ज्ञान कराने की क्या जरूरत है? जब ज्ञान करके न छोड़ना है न पाना है, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। इसको जान करके न पाना है और न तो छोड़ना है, तब इसके बारे में जानते ही क्या करना है? रहने दो बिना जाने ही। ये देखो, ये कर्मी का वचन है, ये कर्मी का सिद्धांत है। अब आप देखो, कर्मी का सिद्धांत है कि जब हम कुछ जाने, जैसे आजकल का एक विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके मन में ये होता है कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी करके 1000-2000 रुपया महीने में प्राप्त करेंगे। तो उसका लक्ष्य है रुपया प्राप्त करना और उसका साधन है पढ़ना। एक आदमी पढ़ता है तो कहता है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो व्यापार करेंगे, उसका लक्ष्य है व्यापार करना है और साधन है पढ़ना। तो ये जो आत्मा को ब्रह्म जानने वाली विद्या है, जब इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं है, छोड़ना और पकड़ना नहीं है, तो इसको जब जान के कुछ करने ही नहीं है, न इसको जानने से नौकरी मिलेगी, न इसके जानने से व्यापार होगा, न इसके जानने से ब्याह होगा, न इसके जानने से स्वर्ग में जाएंगे, तब इसको जान करके करेंगे क्या? ये तो बिल्कुल फालतू। तो बोले कि नहीं जी, आप इस ज्ञान के बारे में थोड़ा और गंभीरता के साथ विचार कीजिए। ये इतना हल्का फुल्का नहीं है। दूसरे के बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो जानने के बाद वो अच्छा होगा तब उसको पकड़ना होगा, और बुरा होगा तो छोड़ना होगा। और अपने आप के बारे में जानेंगे तो अपने को न जानना होगा न छोड़ना होगा, न पाना होगा न छोड़ना होगा। तब जानने से क्या फायदा है? आप देखो, कोई भी बात इसलिए प्रामाणिक नहीं होता है कि वो हमको कुछ करने, पाने या छोड़ने का उपदेश करे। वाक्य प्रमाण को इसलिए होता है कि वो यथार्थ वस्तु का वर्णन करता है कि नहीं। अच्छा, और अब कहो कि प्रवर्तक निवर्तक होने से ही वचन प्रमाण होता है, तो ठग लोग भी कहते हैं, ठग लोग भी प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु वचन बोलते हैं, है कि नहीं? हमारी एक सिंधी माई थी आगरे में, वो सड़क पर जा रही थी तो एक ठग मिल गया रास्ते में। उसने कहा मैया देख देख वो सोना पड़ा है रास्ते, अब उठा लिया। माता थी हमारे वृंदावन की, माता थी, उठा लिया। जो उसने उठाया तो दो और आ गए, बोले कि देखो तुमको अकेले को नहीं मिला है, हम लोग भी देख रहे हैं, हमारा हिस्सा हमको दो। अब लोग
अब वो बोली कि हिस्सा कहां का, चलो सुनार चलो तुमको हम अपने घर ले चलेंगे। तो घर जाने में डर गई बेचारे कि हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। तो फिर वो बोले कि अच्छा तो ये सोना तो बड़ा है, हिस्सा हमारा बांटो। तो कंगन था, कड़ा था, ऐसा समझो। तो अंत में ये तय हुआ कि अच्छा चूड़ी हमारे हाथ में जो सोने की है वो तुम ले लो और ये कंगन है ना हम ले जाते हैं। अब वो माई अपनी चूड़ी दे आई और कंगन ले आई हो है ना, घर में आई तो कंगन पीतल का है, सोने की चूड़ी दे आई और पीतल का कंगन ले आई है। तो प्रति का उपदेश करते हैं कि ये करो और ये मत करो। तो केवल प्रवर्तक वचन या निवर्तक वचन प्रमाण नहीं होते हैं, है ना। और किसी ने कहा ये करो और ये मत करो, उतने से ही वो वचन प्रमाण नहीं होता है। ये देखना है कि उसमें सफल प्रयोजनवत्व है कि नहीं है। माने वो जो ज्ञान तुमको कराया जा रहा है उससे तुम्हारा इष्ट सिद्ध हो जाता है कि नहीं। तो हमारा इष्ट क्या है? इष्ट ये है कि हमको जो दुख होता है सो ना हो, दुख शोक मोह की तो निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य के जीवन का जो प्रयोजन है, मनुष्य के साधन का, भजन का, जिज्ञासा का जो प्रयोजन है, वो अगर प्रवृत्ति निवृत्ति के बिना ही वाक्य मात्र से सिद्ध हो जाए तो प्रवृत्ति निवृत्ति के गौरव में, झगड़े में, गोरख धंधे में फंसने की क्या जरूरत है? एक आदमी को आज्ञा दी गई, उसने कुछ किया और करने के बाद कुछ खोया कुछ पाया, और एक आदमी को कोई कही गई बात और बात कहने से ही चीज मिल गई, उसका प्रयोजन सफल हो गया। तो जहां केवल वाक्य ज्ञान ही हमारे प्रयोजन को पूर्ण कर देता है, वहां बीच में प्रवृत्ति आवे तब प्रयोजन पूर्ण हो, निवृत्ति आवे तब प्रयोजन पूर्ण हो। इसलिए वाक्य की सफलता प्रवृत्ति निवृत्ति में नहीं है, वाक्य की सफलता प्रयोजन की पूर्ति में है। तो बोले देखो ये तत्वमसी महावाक्य आपको बताता है कि आप तो वही हैं। ये नहीं कहती है कि तुम वही थे, तत्वमसी महावाक्य का ये अर्थ नहीं है कि तुम वही थे अब नहीं हो, है ना। या तत्वमसी महावाक्य का ये अर्थ भी नहीं है कि तुम वही हो जाओ, वही बन जाओ, ये अर्थ भी नहीं है। अब ब्रह्म नहीं हो, आगे ब्रह्म हो जाओ, ये तत्वमसी महावाक्य का अर्थ नहीं है। असी पद का अर्थ ही छूट जाएगा अगर ऐसा अर्थ करोगे तो। असी तो वर्तमान क्रिया है ना, वर्तमान क्रिया है, और मध्यम पुरुष की क्रिया है त्वाम असी। इसमें उद्देश्य भी त्वाम है और विधेय तत् है। त्वाम को अपनी तदरूपता अज्ञात है, अनधिगत क्या है कि त्वाम को अपनी सत्ता अज्ञात है, अनधिगत है। तो ये वाक्य जो है वो त्वाम की अनधिगत सत्ता का ज्ञापन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो ये नहीं कहता है तुम पहले ब्रह्म थे अब नहीं हो, ये भी नहीं कहता है कि तुम आगे ब्रह्म हो जाओगे अब नहीं हो, ये कहता है कि तुम अभी ब्रह्म हो। तो इस वाक्य ने किया क्या? इस वाक्य ने ये परिचय कराया कि ये जो तुम्हारा त्वम है, ये त्वम और हम जो हैं, जैसे तुम्हारे लिए मैं तुम हूं और अपने लिए तुम मैं हो, अपने लिए मैं हूं और तुम हो, तुम्हारा नाम एक तुम है और मेरा नाम मैं है, और तुम बोलोगे तो तुम्हारा नाम मैं है और मेरा नाम तुम है। तो जब दोनों का नाम तुम पड़ता है, दोनों का नाम तुम है और दोनों का नाम मैं है कि नहीं है? सर्वनाम का तो यही अर्थ होता है ना, कि जिसको तुम मैं बोलते हो उसको मैं तुम बोलता हूं,
और जिसको मैं बोलता हूं उसको तुम बोलते हो। यही ना है? तो ये जो तुम शब्द का प्रयोग किया गया, ये जो अपने को एक देह में परिच्छिन्न मानने वाले तुम हो ज्ञान स्वरूप, अरे वो समझदार भले मानुष, उसका अर्थ यह है, अरे वो समझदार भले मानुष, ये जो तुम अपने को देह में परिच्छिन्न मान रहे हो, तो देह में परिच्छिन्न तुम नहीं हो, तुमको वह तत् तत् माने तद ब्रह्म परिपूर्ण हो। अब प्रश्न ये आया कि तत् तो परोक्ष है और तुम अपरोक्ष है, तो अपरोक्ष को अहम जो है वो अपरोक्ष है, सामने है, दूसरे को बोलते हैं तो सामने है, और अहम बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो अपना मैं है, तो ये तो परोक्ष नहीं है ना, कम से कम अपरोक्ष है, ये बात तो माननी पड़ेगी ना। क्या तुम्हारा तुम स्वर्ग में बैठा हुआ है? क्या मेरा मैं स्वर्ग में बैठा हुआ है? क्या न स्वर्ग में है न नरक में है, ये तो यही है, उसी को हम मैं बोलते हैं, इसी को तुम बोलते हैं, तो इसी मैं को और इसी तुम को का मालूम पड़ता है ब्रह्म कोई परोक्ष वस्तु होती है। जब तत् बोलते हैं तो परोक्षता भासती है, तो तुम को मैं, तुम को तत् कहना और तत् को तुम कहना, ये तो विरोध है। अच्छा, तो विरोध है तो वक्ता बुद्धिमान है कि मूर्ख है? तो बोले भाई, वक्ता की बुद्धि में तो कोई चीज होगी ना। एक हमारे वृंदावन में सिख सज्जन रहते थे, अभी हैं, है ना, तो पहले वो बाल रखते थे, वो जैसे बनाते हैं ना बाल रखते, दाढ़ी मूछ भी रखते थे, और बिल्कुल जैसे सिख वेश में ही रखते थे। ये अब से 20 वर्ष पहले की बात है। अब वो महाराज वृंदावन का ऐसा रंग चढ़ा उनके ऊपर कि अब उन्होंने दाढ़ी मूछ बनवा ली बिल्कुल सफाचट है, और कंठी पहन ली गले में, और पहले बाल काले काले उगते थे, अब सफेद सफेद उगने लगे। तो एक दिन वो हमारे सामने आए, तो मैंने पहचाना नहीं भाई, प्रणाम आके किया तो मैंने पहचाना नहीं, कहा तो मैंने सिख के रूप में देखा था है? और कहा मैंने बिल्कुल वैष्णव के रूप में देखा। तो उनके साथ जो सज्जन आए थे उन्होंने बताया कि अरे ये तो सुदामा है महाराज, स्वामी जी आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा अरे सुदामा है, अरे तो वही सुदामा है, परेल सिंह का बेटा, बाप का नाम ठीक ही बताता हूँ, नाम बिल्कुल सही ले रहा हूँ, कल्पना करके नहीं ले रहा हूँ, तो ये तो परेल सिंह का बेटा सुदामा सिंह है। अरे दाढ़ी मैंने तो देखी थी, बड़ा सिर पर जटा देखी थी, दाढ़ी देखी थी, सिख के देश में देखा था, वही है। तो अब देखो उसमें वही क्या है, असल में व्यक्ति एक है, हो कंठी चंदन ये वैष्णव का चिन्ह अब आ गया है, उस समय नहीं था, और उस समय दाढ़ी मूछ थी सो अब नहीं है, इसको भागत त्याग लक्षणा बोलते हैं, है ना। अब की कंठी माला से अलग और तब के दाढ़ी मूछ से अलग जो सुदामा नाम का व्यक्ति है वो एक ही है। तो अगर यहां और वहां का फर्क छोड़ दिया जाए तो ईश्वर एक है कि नहीं है? और अब और तब का फर्क छोड़ दिया जाए तो ईश्वर एक है कि नहीं, और कारण और कार्य का फर्क छोड़ दिया जाए तो ईश्वर एक है कि नहीं, है ना। तो ये तत्त्वमसि महावाक्य जो है ये बताता है कि तुम जो अपने को जीव मान करके बैठे हो, इसमें क्या हुआ? पहले तो अपने को तुमने जीवई पर चोट नहीं करना, पहले तो अपने उस भाव पर चोट करो जिसमें तुम मां बन के बैठे हो, तुम बाप बन के बैठे हो, तुम भाई बन के बैठे हो, तुम धनी गरीब बन के बैठे हो, पहले तो अपनी उस कल्पना पर चोट करो। पंचभूत का बना हुआ शरीर, इसमें मातृत्व पितृत्व, इसमें पुत्रत्व, इसमें भ्रातृत्व, है ना, एक स्त्री है, स्त्री की ही बात ले लें, कहो भाई तुम कौन हो? बोले कि मैं मां हूं। अच्छा, अपने बेटे की मां हो ना? हां हां। अच्छा, अपने पति की कौन हो? पत्नी हूं।
तो अपने भाभी की कौन हो कि ननद हूं लो, का अपने मामा की कौन हो का भांजी हूं, का अपने भतीजे की कौन हो का बुआ हूं। अरे बाबा तुम तो एक ही हो, कभी अपने को बुआ बोलती हो, कभी बहन बोलती हो, कभी भांजी बोलती हो, कभी बेटी बोलती हो, कभी माँ बोलती हो, कभी पत्नी बोलती हो, तुम हो कौन हो तो बताओ। बोले महाराज मैं तो स्त्री हूं। देखो स्त्री सामान्य है और उसमें मातृत्व है, भगिनीत्व, पुत्रित्व है, पत्नीत्व, एक ही स्त्री में ये तुम्हारी भावना से, तुम्हारी भावना से आके बैठ गया है। तो जब कहेंगे कि तुम स्त्री हो, अरे भाई बहन भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री है और माता भी स्त्री है और बेटी भी स्त्री है, स्त्रीत्व सामान्य एक है। तो नारायण जब अपने आत्मा का विवेक करना होता है तो पहली चोट ये है कि तुम दुनिया में किसी व्यक्ति से संबद्ध नहीं हो। दूसरी चोट ये है कि किसी वस्तु से संबद्ध नहीं हो। कहां धन तुम्हारे दिल में जुड़ा है ना, धनी धनी पना, फिर जाति पना, ब्राह्मण पना, क्षत्रिय पना, वैश्य पना, सन्यासी पना, और जन्म होना और मरण होना, ये तो सब शरीर के साथ संबद्ध है। तुम शरीर नहीं हो, तुम पदार्थ का विवेक करो, है ना। तुम प्राण से संबद्ध हाथ उठाने वाले और गिराने वाले नहीं हो, टाइप करने वाले नहीं हो, मशीन चलाने वाले नहीं हो, कलम चलाने वाले नहीं हो, वो तो प्राण शक्ति से शरीर करता है, वो संकल्प शक्ति से मन करता है, विज्ञान शक्ति से उसमें अभिमान होता है, आनंद शक्ति से उसमें भोक्तृत्व आता है, और ये सब विवेक कर देने पर भी साक्षी में जो एक शरीर का साक्षित्व है वो नहीं मिटता। तब क्या तुम इस शरीर के भोग को अपना भोग मानते हो, इसकी वस्तु को अपनी वस्तु मानते हो, इसके रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार मानते हो, इसके पाप पुण्य को अपना पाप पुण्य मानते हो, यही ना दुख है। इसके भोग को, सुख दुख को अपना भोग मानते हो, इसके आने जाने को अपना आना जाना मार्ग मानते हो, इसके मरने जीने को अपना मरना जीना मानते हो, इसके रोग शोक मोह को अपना रोग शोक मोह मानते हो। वेदांत ने कहा कि ये जो तुम्हारी आत्मा है ये न देह है, न किसी के देह और वस्तु से संबद्ध है, न पाप पुण्य वाला करता है, न सुख दुख वाला भोगता है, न आने जाने वाला संसारी है, और न तो अज्ञान के कारण अपने को परिच्छिन्न मानने वाला परिच्छिन्न है। तब ये क्या है कत्ता, जिसको तुम न्यारा समझते हो, अधिष्ठान ब्रह्म वो है। बोले अच्छा हमने अपने को ब्रह्म जान लिया, अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको क्या भोगना चाहिए, अब हमको क्या पाना चाहिए है? बोले कि देखो जो लवाजमा तुमने अपने सिर पर पहले ले रखा था है? जो बोझ तुमने अपने सिर पर पहले उठा रखा था, पाप की पोटली, पुण्य की पोटली, कभी रोते थे हाय रे पाप हाय रे पुण्य, है ना, वो पोटली तुम्हारी जल गई आग में, ज्ञान की आग में जल गई। जो कभी मानते थे हमको शोक है, मोह है, हैं? हमको दुख है, वो दुख शोक मोह तो जब तक तुम देह में परिच्छिन्न थे तभी तक था ना। अरे तुम अपने को ब्रह्म जानती, अब दुख निवारण के लिए तुमको कोई कर्म भाव ध्यान अभ्यास उपासना करने की नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप को एक ऐसी चीज जान लिया जिसको दुख छू ही नहीं सकता। तो बोले अच्छा कोई सुख पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अरे ना भाई, राजा के शरीर में तुम ही सिंहासन पर बैठे हो और इंद्र के सिंहासन में तुम ही स्वर्ग का भोग कर रहे हो और ब्रह्मा के सिंहासन पर तुम ही सृष्टि की रचना कर रहे हो, तुम ही मिट्टी में पहाड़ बन करके दृढ़ बैठे हो और तुम ही जल में समुद्र बन करके लहरा रहे हो, है ना नारायण, और तुम ही सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र बन करके आकाश में खिल रहे हो,
कोटि कोटि ब्रह्मांड तुम्हारी संकल्प कणिका के साथ घूम रही हैं और एक एक ब्रह्मांड में जो अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तुम्हारे संकल्प में घूम रहे हैं है? तुमको कौन सा सुख पाना है जो तुम्हारे स्वरूप में न हो, तुम्हारा स्वरूप न हो तो हटाने किस चीज को काटें, किस चीज को हटावें और किस चीज को सतावें। ये आत्मा को ब्रह्म जानने से हटाने की प्रवृत्ति और सताने की प्रवृत्ति और हटाने के लिए निवृत्ति और सताने के लिए निवृत्ति, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति के किए बिना ही संपूर्ण अनर्थ और दुख की निवृत्ति होकर के तुम्हें परमानंद का साक्षात्कार हो गया। तो जब अकेचेन मधु बिंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजे, यदि घर के कोने में शहद मिल गई तो शहद लेने के लिए पहाड़ में जाने की क्या जरूरत। यदि अपने स्वरूप के ज्ञान मात्र से ही सकल अनर्थ की दुख शोक मोह की निवृत्ति हो गई और परमानंद की प्राप्ति हो गई बिना कुछ ग्रहण किए बिना कुछ त्यागे केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध से ही जहां प्रयोजन की पूर्ति हो गई वहां वाक्य की यथार्थता भी हो गई और प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं हुई। माने असल में ज्ञान प्रवृत्त और निवृत्त करके ही सफल होता है, ये कल्पना ही बिल्कुल झूठी है। ये जो पूर्व मीमांसकों की कल्पना है कि वेद कोई काम छुड़ा के सफल होता है और कोई काम करा के सफल होता है, क्या ये कल्पना ही गलत है। यहां तो ज्ञान मात्र से कुछ पकड़े बिना कुछ छोड़े बिना कहीं गए बिना कहीं लौटे बिना नाक बंद करके भीतर जाना है नाक खोल करके बाहर जाना है, न लोक लोकांतर में जाना है न अंदर लौटना है, कहीं गए बिना कहीं से आए बिना कुछ किए बिना किसी इंतजार के बिना है कुछ दूसरे के साथ हाथ जोड़े बिना तादात्म्य किए बिना ध्यान किए बिना है ये जो आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान जो है वो वक्ता ठग है कि वक्ता सच्चा है ये भी देखने की जरूरत नहीं है, है ना। हाँ, और नारायण इस वचन से हमको क्या करना पड़ा और क्या छोड़ना पड़ा तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है। जहां वाक्य मात्र ही अपने स्वरूप का बोध करा करके अज्ञान को मिटा करके और सकल अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करा देता है वहां ज्ञान महावाक्य बिना किसी कर्म के बिना किसी उपासना के बिना किसी अभ्यास के बिना किसी ध्यान के बिना किसी प्रतिपत्ति के तो ये जो है हेयोपादेय भाव से रहित जो ब्रह्म है यही सफल प्रवृत्तिक सफल ज्ञान और सफल वृत्तिक हो जाता है। इसलिए बताया कि कुछ त्याग और कुछ ग्रहण न होने पर भी ये ज्ञान जो है वो संपूर्ण प्रयोजन को सिद्ध कर देता है। ये वेदांत का सिद्धांत है, ये न योग का अंग है न उपासना का अंग है न धर्म का अंग है न अभ्यास का अंग है न ध्यानातीत ध्यान का अंग है न किसी कसरत का अंग है और न कोई कल्पना का अंग है कि यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये बड़ी विलक्षण वस्तु है, ये केवल वेदांत की वस्तु है, ये कहीं अन्यत्र की नहीं है। ओम शांति शांति।
ये बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि वाक्य की प्रामाणिकता में वक्ता की विशेषता या भाषा की विशेषता या कोई त्याग ग्रह के बताने की विशेषता बात किसी प्रामाणिकता में हेतु नहीं है। इससे प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। ये तो कोई दुख है तो मिट गया। हमने तो एक महात्मा को ऐसा देखा, एक में आके शिकायत की कि महाराज वृंदावन की बात है, 20-25 वर्ष की बात है, तो वो हमारा पड़ोसी जो है वो दिन रात हमारी निंदा करता रहता है और उससे हमको बहुत क्लेश है। ऐसे आके एक ने वृंदावन में महाराज से शिकायत की, तो महाराज बोले कि वो तो अब 6 महीने के भीतर ही घर जाने वाला है, उसकी आयु तो बहुत थोड़ी है जो निंदा करता है उससे। अब तुम उसके लिए कोई फिक्र मत करो, मरने के समय आदमी की अकल खराब हो जाती है, अब तो तुम उसके ऊपर दया ही करो, है ना। देखो अच्छा 6 महीने में मर जाएगा महाराज का, 6 महीने खुश हो गया हो। अब उस 6 महीने के 6 बरस क्या, अभी तो जिंदा है, अभी भी है। तो मैंने कुछ बरस के बाद महाराज से पूछा कि आपने तो 6 महीने में मरने की बात उससे कही थी और वो तो अभी तक जिंदा है। तो बोले कि देखो वो मरा कि नहीं मरा इससे क्या मतलब है, वो जो अपनी निंदा सुन के दुखी हो रहा था वो दुख तो उसका मिट गया ना, वाक्य में प्रयोजनवत्व आ गया। असत्य वर्तमान स्थितवा ततः सत्यम समीहते, दुख मिटाना जो है ये प्रयोजन है। तो अपने प्रयोजन के अनुसार वो वाक्य, मरने को तो सब क्षण क्षण में मर रहे हैं, अब कम कौन कब मर जाएगा इसका भी पता नहीं है और क्षण क्षण में सब मर रहे हैं। लेकिन एक आदमी जो केवल आवाज सुन सुन के, मच्छर की आवाज सुन सुन के दुखी हो रहा है, तो उसका दुख मिटाने के लिए तो देखो स्वरूप में मिट ही वो वचन दुख का निवारक हो गया। वेदांती लोग इस तरह का वचन मानते हैं, ये इसको नहीं समझना, अशास्त्रीय है, असत्य उपाय सब के सब मिथ्या होते हैं। उपेय की सत्यता में, उपेय की सत्यता में वाक्य का अभिप्राय होता है। ये संसारी लोग इस बात को जल्दी नहीं समझेंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन जो चंद्रमा को दिखाने के लिए हम बताते हैं कि वो पेड़ से 2 हाथ ऊपर, वो 2 हाथ ऊपर क्या सच्चा होता है? तो वो जो बादल दिखाई पड़ रहा है ना दूध के दिन चंद्रमा के बोलते, ये जो बादल दिखाई पड़ रहा है ना उससे 2 हाथ ऊपर, तो क्या 2 हाथ सच्चा होता है? क्या नहीं, वहां चंद्रमा को दिखाने में तात्पर्य होता है। अगर चंद्रमा दिख गया तो 2 हाथ झूठा होने पर भी वो सच है, क्योंकि सच की उपलब्धि का साधन है, सत्य की उपलब्धि का साधन होने से सत्य है। जैसे कारण के अभेद से कार्य को भी सत्य बोलते हैं,
जैसे कार्य के अभेद से कारण को भी मिथ्या बोलते हैं, बोलने का कई ढंग होता है। अच्छा, एक धर्म की बात आपको सुनाता हूं, जहां झूठ बोलने का शास्त्र में विधान है। लो भाई, कट्टरपंथी लोग तो बहुत नाराज होंगे, पर उनकी कट्टरपंथी ग्रंथों में ही लिखा है, वो मैं सुनाता हूं। ये विवाह होता है ना, विवाह, तो विवाह के प्रसंग में ये विधान है कि जब वर वधु दोनों एक साथ बैठे ना, तो उनसे कहते हैं कि अरुंधति को देखो, वो देखो ध्रुव तारा है, वो पास में सप्तर्षि सात है, उनमें से एक वशिष्ठ है, और वशिष्ठ के पास वो अरुंधति का तारा है, तो ध्रुवम पश्ये, ध्रुव को देखे। अब बोले भाई बादल हुए या वर वधु ध्रुव को न पहचानते हों, अरुंधति को न देख सकें, तो उस समय उनसे कहे कि देखो, और वो कहे हमको नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं बोलना, यदि न पश्येत तथापि ब्रूयात पश्यामि इति। ये ग्रीज सूत्र का सूत्र है, वो मैं सूत्र बोल रहा हूँ ना, ग्रीज सूत्र का हमार, यदि न पश्येत तथापि ब्रूयात पश्यामि इति, यदि वर उसको न देखे तब भी अपने मुंह से यही बोले कि मैं देख रहा हूं, तो क्यों आंख से देखता नहीं है और मुंह से बोले कि मैं देख रहा हूं? बोले मैं देख रहा हूं, ये बोलने से ही उस समय धर्म की उत्पत्ति होती है, मंगल की उत्पत्ति होती है। देखना न देखना इससे धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, धर्म की उत्पत्ति देखने न देखने से नहीं होती, बोलने न बोलने से होती है। तो वहां पश्यामि इति ब्रूयात, यही बोले कि मैं देख रहा हूं। तो वेदांतियों ने तो ये नियम ही कर लिया कि असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। ये पंचकोश क्या सत्य हैं? बोले इनके विवेक से तत्व ज्ञान होता है। क्या तीन अवस्था सच्ची हैं? क्या नहीं, इनके विवेक से तत्व ज्ञान होता है। क्या कार्य कारण भाव सच्चा है? क्या नहीं, इनके विवेक से तत्व ज्ञान होता है। अध्यारोपापवादाद्याम निष्प्रपंचम प्रपंचये, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच का ही प्रपंचन किया जाता है। ये वेदांत की प्रक्रिया है, बोला उसका तात्पर्य वक्ता में नहीं है, वचन की भाषा में नहीं है, है ना? वहां तो अनधिगत अबाधित असंदिग्ध अर्थ के बोधन में तात्पर्य है। जिस चीज को तुम पहले से नहीं जानते हो और जो जान लेने पर फिर कट नहीं सकती और किसी तरह से तुम्हारे मन में फिर संदेह उत्पन्न नहीं होगा, वस्तु का साक्षात्कार हो जाएगा। तो अनधिगत अबाधित असंदिग्ध अर्थ का बोधक जो वचन होता है, अर्थे तात्पर्यम, तात्पर्यावबोधक जो वचन होता है वो साधन होता है। अब कहो कि दादा, है ना, हम मंदिर की तरफ जाते हैं तो कुत्ता भूखता है, तो इसलिए हमने मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। तो चलो, है ना, तुम्हारे कान को तो आराम मिला, तुम्हारे कान को तो आराम मिला, भले मंदिर का देवता छूट गया। तो इस तरह से जो लोग विचार करने वाले होते हैं, असल में यहां तो ब्रह्मरूप जो देवता है, ब्रह्मात्मय के रूप जो देवता है, उसके दर्शन में तात्पर्य है। झूठ से हुआ कि सच से हुआ कि कल्पना से हुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं। फिर ये बात आई कि भाई ब्रह्म को जान के छूटा क्या और ब्रह्म को जान के मिला क्या, ये उपादेय रहे दंड। तो ये जो बानिया लोग होते हैं वो जहां जाते हैं फायदे की, मुनाफे की बात करते हैं, बोले देखो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो तुम्हारे ऊपर छोड़ने का
और पकड़ने का जो बोझ था ना तुम्हारे दिमाग पर, छोड़ने का बोझ कोई सामान्य बोझ है? अच्छा, पकड़ने का बोझ क्या कोई सामान्य बोझ है? तो इस वेदांत की ऐसी कृपा हुई कि जो तुम्हारे दिमाग पर ये करो ये मत करो, ये छोड़ो ये पकड़ो, हैं, यहां जाओ वहां जाओ, ये जो भटकने का बोझ था तो बिल्कुल बोझ का बोझ ही उतर गया। और तुम पूछते हो क्या फायदा हुआ बोझ का उतरना, क्या दिमागी बोझ का उतर जाना क्या कोई फायदा नहीं है? दिमागी बोझ नहीं उतरा, दिमाग ही उतर गया है। मैं दिमाग वाला हूं, दिमाग मेरा है, दिमाग सच्चा है, ये भ्रांति कट गई। इसमें बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वान की जरूरत नहीं है। वो तो एक बार पीछे हट के, एक बार पीछे हट के खट से काट लेने की जरूरत है, इतना काम है। ये देहादि रूप जो पंचकोश हैं या तीन अवस्था हैं या कार्य कारण भाव है या जो देह में मैं मेरा है, इससे जरा सा पीछे हट के साक्षी में जाके और ब्रह्म ज्ञान की तलवार से द्वैत प्रपंच को काट देना चुटकी बजाने भर का काम है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम् न गच्छति कौन्ते यत् प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम सुसुखम कर्तुम् अर्हति सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ऐसा बढ़िया। तो हे और उपादेय से छोड़ना और पकड़ना, इससे जो छुड़ा दे महाराज, इससे बढ़ करके और क्या, और क्या सार्थकता हो सकती है इस उपदेश की? हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता वगमादेव सर्व क्लेश प्रहारात पुरुषार्थ सिद्धे है। ये हम कल किसी ने पूछा था कि ये आप जो वचन बोलते हैं वो कहां से बोलते हैं, उनके पास हिंदी का ब्रह्मसूत्र है। तो असल में हिंदी में भी तो पंथ पंथ के जरा अलग अलग हो गए हैं, और कोई बिना पंथ के भी हैं। माने जिन लोगों के पास व्याख्यान का कोई संप्रदाय नहीं है वे लोग भी व्याख्यान करते हैं। आश्चर्य तो ये है, समझो कि 2000 3000 5000 बरस पहले ब्रह्मसूत्र की रचना हुई और तब से इसका अर्थ करने की प्रणाली जिनके पास परंपरा नहीं है वे इसके बारे में बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? उनकी अक्कल अब से 5000 बरस पहले बोले हुए सूत्र का अभिप्राय क्या समझ सकेगी? श्री रामानुजाचार्य महाराज हैं, उनके पास बोधायन वृत्ति की परंपरा है। श्री शंकराचार्य महाराज हैं, उनके पास सूत्र संहिता की परंपरा है। तो जितने आचार्य होते हैं वो व्यास से लेकर के अपने तक एक परंपरा को धारण करते हैं। एक हिंदी में टीका कृति उसके लेखक हमको मिले ब्रह्म केसर के, तो मैंने चार सूत्र जो पहले कहे ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य जता शास्त्र जोनिश्वा सबको समन्वया, चारों पढ़ के उनको पूछा कि आपने टीका तो लिखी पर किस मंत्र पर विचार करने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है और किस मंत्र पर विचार करने के लिए जन्माद्य से जता है? किस मंत्र में, मंत्र कौन सा विषय है, उसमें संशय क्या है, उसका पूर्व पक्ष क्या है, उसका उत्तर पक्ष क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? अधिकरण रचना पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, और किस वेद के विषय का निरूपण करने के लिए ये सूत्र है ये तो लिखा ही नहीं, तो ये सूत्र का भाष्य क्या होगा? जन्माद्य से जता को तो अनुमान बना दिया उसने कि जिस किसी से इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है वो ब्रह्म है। जतोगा इमानी भूतानि जायन्ते इस श्रुति को नहीं दिया, तो जहां श्रुत्यर्थ ग्रथन ही नहीं है वहां ब्रह्मसूत्र का अर्थ कैसे होगा? अच्छा, तो कहते हैं देखो अपने आप को अगर तुम ऐसा जानोगे
कि तीन अवस्था तीन गुण है, ये अपने स्वरूप में नहीं है। और देखो एक ओर तो ये हुआ कि तीन अवस्था तीन गुण पंचकोश कार्य कारण ये जो परिवर्तन विवर्तन है, परिणाम की दृष्टि से परिवर्तन और माने माया की दृष्टि से परिवर्तन, अविद्या की दृष्टि से परिवर्तन, अविद्या का परिणाम, माया का परिणाम और ब्रह्म दृष्टि से विवर्तन। देखो वर्तन तो एक ही है पर परि उपसर्ग है और बी उपसर्ग है। आपको अर्थ समझने में सुविधा पड़े इसके लिए हम शब्द का मूल बता देते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन माने बदलना और विवर्तन माने विरुद्ध होना, विरुद्ध वर्तना। विपरीतम वर्तते इति विवर्तः, विरुद्धम वर्तते इति विवर्तः, विरुद्धम विपरीतम वा वर्तते। और परितो वर्तते, तो परिवर्तनम परिवर्तः, विवर्तनम विवर्तः। अब देखो ये हुआ क्या कि ब्रह्म दृष्टि से तो ये प्रपंच विवर्त है और माया अविद्या दृष्टि से ये प्रपंच परिवर्त है। परिवर्त उसको कहते हैं वो जैसे कोई नदी होती है ना और उसमें भंवर पड़ती है, पानी अपने आप में, अपने आप में पानी घूम रहा है। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में ये जो दृश्य प्रपंच की माया है वो आपस में बदलती हुई है ना, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, कार्य से कारण, कारण से कार्य है ना, कामना से कर्म, कर्म से कामना, ये परिवर्तन माया में हो रहा है। और जो साक्षी ब्रह्म है उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, अपने अधिष्ठान में ये विपरीत बरत रहा है। जैसे सत्संग में जाके तुम गाली देते हो या राग करते हो या द्वेष करते हो या किसी का अपमान करते हो तो सत्संग के विरुद्ध आचरण हुआ ना, तो ये कहना पड़ेगा कि ये सत्संगी असली सत्संगी नहीं है, सत्संगी का विवर्त है। ऐसे हो ये सत्संगी का विवर्त ही है, क्योंकि सत्संगी को जैसा रहना चाहिए उसके विरुद्ध बरत रहा है। तो हेयोपादेय शून्य आत्मा, इसका दो अर्थ करो। एक तो जो दुनिया अपने पीछे लगी हुई है उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, और एक जो सच्चिदानंद घन अद्वैय ब्रह्म है वो कोई अपने से जुदा नहीं है, अपना स्वरूप है। तो इसमें हान हुआ, क्या हान हुआ, का प्रपंच का, और उपादान किसका हुआ, अज्ञात ब्रह्मता का। परंतु ये कोई नया काम नहीं हुआ कि प्रपंच छूट गया और ब्रह्म मिल गया, नया काम नहीं हुआ। असल में हमारे स्वरूप में प्रपंच छूट ही हुआ था और ब्रह्म जो है वो पहले से ही अपना स्वरूप था। तो एक दृष्टि से देखो तो प्रपंच छूटा नहीं और ब्रह्म मिला नहीं, और दूसरी दृष्टि से देखो तो प्रपंच अपने स्वरूप में है नहीं और अपना आत्मा ब्रह्म ही है। तो इस बात को समझा दिया वेदांत ने, कोई चीज तुम्हारे सिर पर नहीं ला दी, इसमें आंख को अधखुली रखो इसका भी बोझ नहीं है, बंद रखो इसका भी बोझ नहीं है, खुली रखो, खुली आंख रखने में भी बोझ है, हो ये पलक को यदि ज्यादा देर तक उठाए रखोगे तो बोझ हो जाएगी, और बंद रखोगे तो उसको पकड़ रखने का बोझ होगा, अधखुली रखोगे तो अधखुली रखने का बोझ होगा, है ना। मन को बंद रखना या मन को खुला छोड़ देना, खुला छोड़ दोगे तब भी थक जाओगे, बंद रखोगे तब भी थक जाओगे, अध बंद रखोगे तब भी थक जाओगे। तो ये तो सारी कर्तव्य के बोझ से, सारी कर्तव्य के बोझ से तुम्हारे जो ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये जो तुम्हारी बुद्धि में ये खोना है, ये पाना है, ये जो अक्कल खराब हो रही थी,
उस अकल की सारी खराबी को वेदांत ने दूर कर दिया। तो अपने आप को जब तुमने ये देखा कि दुनिया में हमको कुछ पाना नहीं है और तो क्या परमेश्वर को भी पाना नहीं है, न तो हमारे शरीर में कोई मैल लगी है कि उसको छुड़ाएं, और न तो हमारी चमक बढ़ाने के लिए हम इतने चमकदार हैं कि उसमें कोई स्नो पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। दिल बात तो होती है ना, हे माने मैल लगी हो तो उसको छुड़ा दो, और उपादेय माने जैसी चमक हमें चाहिए वैसी अपनी शरीर में अपने शरीर में नहीं है तो अंगराग लगा के उसको प्राप्त करो। जितना लाल हम अपना होश चाहते हैं उतना नहीं है तो उसमें लिपस्टिक लगाना पड़ता है। और नारायण जितना है ना हमारे मुंह में जो करियापन है कालापन है क्या उसको दबाने के लिए पाउडर लगाने की जरूरत है, तो ठीक बात है। तो ये जो अपना स्वरूप है इसमें न तो कोई ऐसी दुनिया की बुराई है, पाप की पुण्य की काम की रोग क्रोध की लोभ की है ना कार्य की कारण की अन्नमय की प्राणमय की मनोमय की विज्ञानमय की आनंदमय की कार्य की कारण की जागृत की स्वप्न की सुषुप्ति की पंचभूत की अहंकार की महत्त्व की प्रकृति की माया की कोई ऐसी बुराई अपने स्वरूप में नहीं है जिसको छोड़ना हो, और कोई ऐसा सत चेत आनंद अद्वैता आदि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाना हो। जब छोड़ना और पाना दोनों नहीं रहा तो तुम निर्द्वंद अपने को निर्द्वंद समझ गए कि नहीं, तो तुमको निर्द्वंद समझाने के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति हुई है। ये छुड़ाना जो है तो ये भी पहले अवस्था आदि का अध्यारोप कर देते हैं फिर उसका बात करते हैं, पंचकोष का अध्यारोप करते हैं फिर अब बात करते हैं, कार्य कारण का अध्यारोप करते हैं फिर अब बात करते हैं, माया अविद्या का अध्यारोप करते हैं और फिर अपवाद करते हैं, और बंधन और मुक्ति दोनों का अध्यारोप करते हैं और अपवाद करते हैं। ये वेदांत की असल में मुक्ति भी वेदांत में वास्तविक वस्तु नहीं मानी जाती है, बंधन की अपेक्षा से केवल आरोप मात्र है। तो ऐसा जो स्वरूप का ज्ञान है ये ध्यान पद्धति नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये अभ्यास नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये धर्म कर्म नहीं है, ये तो स्वरूप का यथार्थ बोध, और बोध इसलिए जैसे तुम हो वैसा तुमको समझा देना, केवल एतावन मात्र। तो भाई इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ कि सारा क्लेश ही गया ना, सर्व क्लेश प्रहारात पुरुषार्थ सिद्धे है, सारे क्लेश का नाश हो गया, क्लिश्नाति इति क्लेशा। क्लेश को क्लेश क्यों कहते हैं, तो वो हमको कष्ट देता है, क्लिश्ना। अच्छा तो ये क्लेश क्या है कि यत्र कम सुखम लेस इव भवति, क्लेश क्यों है कि जहां अपना सुख स्वरूप जो आत्मा है उसके पूर्ण सुख की अभिव्यक्ति न होकर के वो नन्हा सा मालूम पड़ता है, लेस तरीका मालूम पड़ता है। जब सकलेश सकलेश ही वो भवती, जो सकल प्रपंच का अधिष्ठान है वो एक कला का स्वामी मालूम पड़ता है, एक अंतकरण का एक देह का स्वामी मालूम पड़ता है, कलेश एव क्लेश ही सूचते। नैरुक्त लोग जो है वो वर्णागमो वर्ण विपर्जयस्य कर देते हैं। अब आओ क्लेश प्रहार कैसे, क्लेश क्या है और उसका प्रहार कैसे, जहां अपना दुख दूर नहीं होता वहां पुरुषार्थ नहीं है। माने तुम साधन से चुप हो गए, कहा कि जब तुम अपना दुख बढ़ाने लगे अपने दुख को मिटाने नहीं मिटाते नहीं हो अपने दुख को बढ़ाते हो, तो उस समय साधन से चुप हो गए। साधन तो होता है दुख मिटाने के लिए और परमानंद की प्राप्ति के लिए, तो अपने आप को यह अद्वय जानने पर तो इसका दो विभाग है असल में, आपको
एक बात इस प्रसंग में और उपनिषद की सुना देता हूं, और वो आई रही है असल में। देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोधः, आगे आई रही है, वही सुनाते हैं। एक आदमी ने कहा कि मैं अकेले तो अधूरा हूं, हमारे साथ कोई और चाहिए। ये बृहदारण्य उपनिषद में है, वो तो मैं तो अपने घर में जैसे बोला जाता है वैसे बोलता हूं ना, जाया में त्याग, मुझे एक साथी चाहिए, एक पत्नी चाहिए मुझे, जाया में त्याग। तो आत्मानम अपूर्णम मन्यमानस्य इयम इच्छा स्यात्, जो अपने को अकृत, आत्मानम अकृत्स्नम मन्यमानस्य, जो अपने आप को अधूरा मानता है, अकृत्स्न मानता है।